हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आर के मिश्रा, प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जन, सिप्स हॉस्पिटल, लखनऊ। कई की बार हमने देखा है कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनकी हाथ काफ़ी डिफॉर्म्ड होते हैं। उस डिफॉर्मिटी में कई कई बार ये होता है कि उनकी उंगलियां आपस में चिपकी हुई होती हैं। वो एक उंगली चिपकी, दो उंगली चिपकी हो सकती है, या सारी की सारी उंगलियां चिपकी हो सकती हैं। इस कंडीशन को हम बोलते हैं सिंडैक्टिली, मतलब हमारी उंगलियां चिपकी हुई हैं। कभी कभी ये भी होता है कि हमारे पास एक्स्ट्रा डिजिट होती है, एक्स्ट्रा फिंगर्स होती है, कभी इस साइड में, कभी इस साइड में, 6 फिंगर, 7 फिंगर, 8 फिंगर, इवन 10 फिंगर तक भी हो सकती हैं एक्स्ट्रा फिंगर्स होती। उसको हम बोलते हैं पॉलीडेक्टिली, मतलब ज़्यादा फिंगर्स हैं। इन दोनों कंडीशंस को भी सर्जरी के द्वारा सही किया जा सकता है। जब भी सिंडेक्टली होती है तो याद रखें, जल्दी से जल्दी किसी भी प्लास्टिक सर्जन को दिखाएं। और क्योंकि छोटी वाली उंगली को और अंगूठे को अलग करना बहुत ही ज़रूरी होता है जल्दी से जल्दी, क्योंकि बाकी उंगलियों की लंबाई इन उंगलियों से डिफरेंट होती है, तो हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि 2 साल 3 साल से पहले ये छोटी वाली उंगली और ये सेपरेट हो जाए। क्योंकि जब भी सिंडेक्टली की सर्जरी की जाती है, ऐसा नहीं किया जा सकता है कि सारी उंगलियाँ एक साथ सेपरेट कर दी जाएँ। ये स्टेज की सर्जरी होती है, एक बार में किसी भी उंगली के दोनों तरफ सर्जरी नहीं की जा सकती है। तो यूजली ये होता है कि पहले छोटी उंगली को और अंगूठे को अलग किया जाता है, फिर एक उंगली को किया जाता है, फिर दूसरी उंगली को किया जाता है। तो जब भी बच्चा पैदा इस कंडीशन में होता है तो अपने डॉक्टर को तुरंत दिखाएं, प्लास्टिक सर्जन को तुरंत दिखाएं, और सही टाइम पर इलाज करा करके उसकी फिंगर्स को सेपरेट करा दें, जिससे बच्चे का फॉर्म, लुक एंड हैंड का फंक्शन भी अच्छी तरीके से आ सके। पॉलीडेक्टली में ऐसा होता है, कभी कई बार आपने देखा होगा कि अंगूठे के पास या कानी उंगली के पास या किसी भी फिंगर का डुप्लीकेशन हो आता है, ज़्यादा फिंगर्स हो आती हैं। उनमें से कुछ फिंगर फंक्शनल होती हैं, कुछ फिंगर नॉन फंक्शनल होती हैं। तो जो मेनली फंक्शनल फिंगर्स होती हैं, 5 फंक्शनल फिंगर्स, उनको बचा करके बाकी जो एक्स्ट्रा डिजिट होती है उसको निकाल दिया जाता है। और पॉलीडेक्टली की सर्जरी एज अर्ली एज पॉसिबल करा लेनी चाहिए, क्योंकि बच्चे को इसको लेकर के कॉम्प्लेक्स आता है, बच्चे चढ़ाते भी हैं। तो हमेशा स्कूल जाने से पहले, जब भी बच्चा 6 महीने 1 साल 2 साल के आसपास का होता है, तो किसी प्लास्टिक सर्जन को दिखा करके इसकी सर्जरी करा करके बच्चे के हाथ को अच्छी तरीके से सही करा लें। इससे सिर्फ ना तो हाथ देखने में बेटर लगता है, बल्कि उसका फंक्शन इम्प्रूव कर जाता है। हाथ एक मशीन होती है, उसमें एक फंक्शन के तरीके से अगर दिया गया है तो उसको जितनी जल्दी जल्दी सर्जरी करा लेंगे, बच्चे की डेक्सटरिटी उतनी अच्छी डेवलप होगी, उसके हैंड का फंक्शन उतना बढ़िया डेवलप होगा। सिंडेक्टली, पॉलीडेक्टली या इस तरह की और भी रिकंस्ट्रक्टिव रिलेटेड जानकारी के लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 9795800800 पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। हमारी वेबसाइट www.mycosmeticsurgery.in पर जा करके और जानकारी ले सकते हैं, या आप हमको लिख सकते हैं हमारी मेल आईडी mycosmeticsurgery@gmail.com पर। थैंक यू।